नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 11 घंटे तक चले एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी। मुठभेड़ के दौरान दो नागरिकों की मौत, सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा अलगाववादियों से हो बात। लखनऊ सचिवालय के बापू भवन में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी दमकल की 11 गाड़ियां। मंत्री मोहसिन रजा को दफ्तर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्र से मारपीट के मामले में 1200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट, ड्रग से छात्र की मौत के लिए नाइजीरियाई लोगों को ठहराया था जिम्मेदार। लोकपाल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, केंद्र ने कोर्ट से कामकाज में दखल ना देने का किया आग्रह। वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सरकार पर लगाया नियुक्ति में देरी का आरोप। नोएडा में तिरंगे के अपमान को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, चीनी कंपनी ओप्पो के कर्मचारी पर तिरंगे के अपमान का आरोप, कर्मचारी ने कूड़ेदान में डाला था तिरंगा। शिवसेना के चप्पल मार सांसद पर नहीं बदला एयर इंडिया का रुख, एयर इंडिया ने फिर रद्द किया रविंद्र गायकवाड़ का टिकट, गायकवाड़ ने दिल्ली आने के लिए पकड़ी राजधानी एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ व्हाट्सएप से सुनेंगे लोगों की परेशानी, शिकायत के लिए सीएम योगी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, शिकायत करने के 3 घंटे के अंदर होगी कार्रवाई। एमसीडी रण को जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर करेंगे चुनाव प्रचार। शेयर बाजार में तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी, एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख की वजह से दर्ज की गई तेजी, सेंसेक्स 172 और निफ्टी 55 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारत ने हासिल की टेस्ट गदा, इनाम में खिलाड़ियों को मिला $10 लाख का चेक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।